बिहार में विधानसभा चुनाव का ऐलान बस होने ही वाला है, लेकिन उसके पहले ही महागठबंधन को झटके पर झटके मिल रहे हैं। महागठबंधन के घटक दल एक एक करके अलग हो रहे हैं। पहले महागठबंधन से जीतन राम मांझी अपना हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा को लेकर अलग निकल पड़े। मांझी ने मौके की नजाकत को भांपते हुए एनडीए का दामन थाम लिया। अब महागठबंधन से उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी राष्ट्रीय लोक समता पार्टी यानी RLSP के अलग होने की खबर आ रही है। बताया जा रहा है कि उपेंद्र कुशवाहा अपनी पार्टी के साथ कभी भी महागठबंधन से अलग होने का ऐलान भी कर सकते हैं। जानकारी मिल रही है कि महागठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर पैंच फंसा हुआ है। उपेंद्र कुशवाहा इसको लेकर लगातार तेजस्वी यादव और कांग्रेस के नेतृत्व से मुलाकात कर रहे हैं, लेकिन अब तक सीटों को लेकर कोई फैसला नहीं हो पाया है। RLSP के प्रधान महासचिव आनंद यादव के हवाले से कहा जा रहा है कि टिकट को लेकर कांग्रेस और RJD की तरफ से कोई भी आश्वासन नहीं मिला है। ऐसी स्थिति में RLSP अलग विकल्प को देखने पर मजबूर है। RLSP महागठबंधन में अपनी अनदेखी को लेकर नाराज है। उपेंद्र कुशवाहा ने इसे लेकर 24 सितंबर को इमरजेंसी मीटिंग बुलाई है। इस मीटिंग में उपेंद्र कुशवाहा अपनी पार्टी की भविष्य को लेकर रणनीति में बड़ा ऐलान कर सकते हैं। उपेंद्र कुशवाहा के लिए चिंता की बात यह भी है कि चुनाव से ठीक पहले महागठबंधन में होते हुए भी तेजस्वी यादव ने RLSP में सेंध लगा दी है। तेजस्वी यादव ने RLSP के युवा प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष मोहम्मद कामरान को RJD में शामिल करवा लिया। तेजस्वी के इस कदम से उपेंद्र कुशवाहा खासे नाराज बताए जा रहे हैं। महागठबंधन का हिस्सा होते हुए भी RJD की RLSP में सेंध से उपेंद्र कुशवाहा तिलमिलाए हुए हैं। बात सिर्फ इतनी भर नहीं है, महागठबंधन में नेतृत्व के सवाल पर भी संकट बरकरार है। RJD ने बिना सहयोगी दलों के राय मशवरे के तेजस्वी यादव को महागठबंधन का चेहरा घोषित कर दिया है। RJD ने चुनाव को नीतीश बनाम तेजस्वी बना दिया है, जबकि महागठबंधन में उपेंद्र कुशवाहा जैसे सीधे नेता भी हैं। RLSP के कुछ नेताओं ने इसे लेकर पिछले दिनों बयान भी जारी किया था। पिछले दिनों RLSP के प्रवक्ता धीरज कुशवाहा ने कहा था कि तेजस्वी यादव RJD की तरफ से मुख्यमंत्री के उम्मीदवार हैं, न कि गठबंधन की ओर से। उन्होंने साफ कर दिया था कि महागठबंधन में CM के चेहरे को लेकर कोई भी बात नहीं हुई है। पार्टी उपेंद्र कुशवाहा को CM के उम्मीदवार के तौर पर सबसे काबिल चेहरा मानती है। उनके पास तेजस्वी से ज्यादा लंबा अनुभव भी है और राजनीतिक समझ भी। महागठबंधन से अपनी अहमियत को लेकर सिर्फ RLSP ही परेशान नहीं है। महागठबंधन का एक और घटक दल विकासशील इंसान पार्टी यानी VIP ने भी नेतृत्व के सवाल पर अपनी मांग रखी है। VIP की तरफ से डिप्यूटी CM की दावेदारी भी सामने आई है। पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव मिश्रा की तरफ से कहा गया कि महागठबंधन में मुकेश सहनी को उप मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित किया जाना चाहिए। बिहार चुनाव में जिस वक्त महागठबंधन को अपनी एकजुटता दिखानी चाहिए, उस वक्त इसमें शामिल पार्टियां अलग अलग राग अलाप रही है। हालात देख कर लगता नहीं है कि महागठबंधन मजबूती से NDA को चुनौती दे पाएगी। इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं, और ऐसे ही लेटेस्ट पॉलिटिकल अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें TV9 भारतवर्ष और बेल आइकन को जरूर दबाएं। क्या आप पर भी बरपा है जालसाजी का कहर? सपने टूटे आपके न घर के न घाट के, देखिए लूट घर हर रात 9:30 बजे। फिक्र आपकी